हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेपी मेस इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा आईपी कन्वर्टर के बारे में। तो ये हनीवेल का जो आईपी कन्वर्टर है, इसमें से आउटपुट कितना हम लोग कम्युनिकेशन कंट्रोलर कर सकते हैं, आपका वीएपी हो गया, वीएफडी हो गया, बीटू मीटर, एनर्जी मीटर, एनी अदर जो थर्ड पार्टी रहता है, उसको हम लोग इसके द्वारा कितना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितना डिवाइस को कर सकते हैं, तो इसी के बारे में जानकारी देंगे। ये जो है, ये जो ऐसा वाला जो इसका वीडियो फर्स्ट टाइम छोड़ रहा हूँ, पहले तो जानकारी था लेकिन किसी वजह से नहीं छोड़ पाया हूँ, तो इसी के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हनीवेल का है, बहुत ही अलग अलग वैरायटीज में आता है ये। तो मैं जो काम करता हूँ, ये देखिए, ये जो है आपका ये कन्वर्टर हनीवेल वाला जो है, आईपीसी, एसपीसी, एक्सपीओ, डीआईओ, इस तरह का जो हनीवेल का रहता है उसमें हम काम करते हैं। लेकिन और भी रहता है हनीवेल में, और भी बहुत सारा वैरायटी रहता है। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ, फिर इसके बारे में जानकारी देंगे। और मेरा यहाँ पर जो एक कन्वर्टर लगाया जाएगा, तो बिल्डिंग को भी ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी देंगी। तो पहले वाला को चलिए देख लेते हैं, दूसरा का क्या क्या बना। तो ये आपका हनीवेल का कंट्रोलर है, आपका इसमें भी लूप करके ही कम्युनिकेशन किया जाता है। और ये आपका अलग वैरायटी है, यानी कि तीन चार और भी बहुत सारा वैरायटी है, जैसे कि आप, मुझे जितना पता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक वैरायटी है, ये लूप कम्युनिकेशन होता है। आपका मास्टर कंट्रोलर से आपका आएगा इनपुट, और ऊपर से जो मिडिल पे रेड कलर का दिख रहा है, वहीं से कम्युनिकेशन होकर दूसरा कंट्रोलर में चला जाता है, और टर्मिनल ब्लॉक ये है। और ये है आपका मास्टर कंट्रोलर है, RX TX ब्लिंकिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन केबल यहाँ पर आउट हो रहा है, उसका बैक साइड में पावर दिया हुआ है। नीचे में आपका इथरनेट जो केबल है, यहाँ पर कनेक्शन किया गया है, ये है। और यहाँ से सभी को लूप किया गया, और ये जो है आपका सभी में देख लीजिए लूप कनेक्शन है, जो रेड कलर का बीच में दिख रहा है ये वाला जो है, ये कम्युनिकेशन अंदर अंदर किया हुआ रहता है। और बड़ा पैनल इसका रहता है, बड़ा ज़्यादा इसको लूप करके कनेक्शन किया जाता है। तो ये हो गया एक तरह का वैरायटी हनीवेल का। और उसके बाद आते हैं जो ये वाला कंट्रोलर है, ये जो है FC यूनिट के लिए स्पेशल बनाया गया है कंट्रोलर, जो इसका मैं पहले ही जानकारी दिया हूँ। उसके बाद तो और एक आपका वैरायटी में जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि PUC इसका कुछ मॉडल नंबर रहता है। तो ये इसका मास्टर कंट्रोलर रहता है, और इसके बाद छोटा छोटा कंट्रोलर और लूप कम्युनिकेशन किया जाता है। आपका जो इथरनेट आपका नीचे में आपका कनेक्शन हुआ है, और ऊपर में देखिए ये जो है आपका एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट ये दिया है। ये जो LT ब्रेकर, HT ब्रेकर के लिए ऑन ऑफ और ट्रिप स्टेटस लिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर नीचे जो AO और DO का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। नीचे जो आउटपुट देख रहा है, MSTP जो आपका लूप केबल है, आपका नीचे वाला कंट्रोलर में आया हुआ है। यहाँ से आके फिर आपका दूसरा जो कंट्रोलर है उसमें जाएगा, और एक में आपका कितना कंट्रोल होगा, कम्युनिकेशन होगा, ये तो जानकारी आगे में वीडियो में बताएंगे। और यहाँ देख लीजिए 24 वोल्ट पावर आएगा, और नीचे जो है कम्युनिकेशन केबल कनेक्शन होगा। तो इस तरह से ये हनीवेल का काम करता है। तो मैं आज यहाँ पर जानकारी ये दूंगा कि हनीवेल का जो कन्वर्टर है, यानी कि यदि आपको कोई ऐसा जगह है आपका कि आपको वहाँ पर दो तीन कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि MSTP या मोडबस या RS485 ये आपका कुछ कम्युनिकेशन चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा आप कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ऐसे तीन वाला का मैं जानकारी दूंगा। यहाँ थर्ड पार्टी वाला जो रहता है, कितना भी आपको डिवाइस है उसका कम्युनिकेशन करने के लिए आपका ये तीन वाला जो कन्वर्टर है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सिंगल वाला रहेगा तो आप कोई भी, मतलब आप कर सकते हैं, कन्वर्टर लगा सकते हैं सिंगल वाला, जो कि मुझे एक ही VFD के लिए चाहिए, या VAB के लिए, B2 मीटर या एनर्जी मीटर, जो भी एक वाला है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन वाला का हनीवेल का जो है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उस सारा जानकारी देंगे। तो चैनल पे आप यदि पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यह है आपका प्रोजेक्ट, और आपका यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी देंगे हनीवेल का CPO IP कन्वर्टर के बारे में। और यहाँ पर इसका डिटेल्स पहले चेक कर लीजिए, तब आपको जानकारी अच्छा रहेगा। तो देखिए सिंबल जो है TVS PC, उसके बाद TVS 32 मॉनिटर रिप्रिंटर, फिर IP कन्वर्टर, यहाँ कितना है 111, और कन्वर्टर जो है ये 6 दिया हुआ है। और केबल जो है इसका, जो कम्युनिकेशन केबल जाएगा 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm आर्मेटेड ATS कंडक्टर मल्टी स्टैंडर्ड स्क्रीनेट शील्डेड PVC FRLS केबल। FRLS का मतलब होता है फायर रिटेंडेंट लो स्मोक वाला केबल ही, ऑटोमेशन में जो आपका फायर का हो गया, PA का हो गया, एक्सेस हो गया, डाटा हो गया, सीसी कैमरा हो गया, सब आपका केबल जो है FRS का ही डाला जाता है। चलिए कन्वर्टर के बारे में जानकारी लेते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। तो PDF का माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, PDF बना हुआ उसका। चलिए ये आपका CPO हनीवेल का डाटा शीट है, उसको चलिए चेक करते हैं। CPO कंपाउंड पॉइंट ओपन, और यहाँ पर जनरल टेक्निकल डाटा सभी डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर ओपन करते हैं तो ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन कंपाउंड पॉइंट ओपन इज ए ट्रेडमार्क ऑफ हनीवेल इंटरनेशनल इंक्लूड, बैकनेट इज ए ट्रेडमार्क ऑफ आसारी इंक्लूड। आसारी का मतलब क्या होता है, HVAC को ये जानकारी होना चाहिए, और BMS टेक्नीशियन ऑपरेटर को भी जानकारी होना चाहिए। यदि जानकारी है तो कमेंट में लिखिए। और इसका जनरल यहाँ पर दिया हुआ है बैकनेट राउटर,
कॉम्प्लेक्स टू पीवीसी बैकनेट डिवाइस प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स टू बैकनेट 135 टू 2010 प्रोटोकॉल रिवीजन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ए बीबीएमडी डिवाइस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विथ 32 बिट टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन विथ कंफर्ट पॉइंट ओपन स्टूडियो सपोर्ट वन बैकनेट आईपी नेटवर्क एंड थ्री इंडिपेंडेंट आरएस 485 इंटरफेस एमएसटीपी चैनल एनी एमएसटीपी चैनल्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और मोडबस डिवाइस। यहाँ पर आपको ये जानकारी होना चाहिए, सपोर्ट करेगा आपका बैकनेट आईपी नेटवर्क और तीन आपका एमएसटीपी हो गया आरएस 485 या मोडबस, जो आप कॉन्फ़िगर द्वारा आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है सपोर्ट 30 यूनिटरी कंट्रोलर पर एमएसटीपी चैनल्स 90 यूनिटरी कंट्रोलर्स पर सीपी कोर। यहाँ पर और एक बात ध्यान दीजिए, सपोर्ट आपका करेगा 30 यूनिटरी कंट्रोलर एक चैनल पर और तीन चैनल है तो 90 आपका कंट्रोलर तक सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपका सपोर्ट 30 मोडबस डिवाइस पर मोडबस चैनल 90 मोडबस डिवाइस पर सीपी कोर। यहाँ पर भी वही बता रहा है, मोडबस यदि आप लेते हैं तो 30 और उसके बाद 90 आप दे सकते हैं। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ कंफर्ट पॉइंट ओपन मैनेजर सीपीओ एम एंड यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए सीपीओ एम एंड इंटरप्राइज बिल्डिंग इंटीग्रेटर ईबीआई जो हनीवेल का सॉफ्टवेयर रहता है ना ईबीआई आपका 400 600 जो भी है तो ईबीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए इंटरप्राइज बिल्डिंग इंटीग्रेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जनरल हो गया और यहाँ पर अटेंशन दिया हुआ है बीटीएल का मतलब तो मैं पहले जानकारी दिया हूँ एज पर सीपीआईपीसी लिस्टिंग लोगो यूएल लोगो द सीई मार्क यहाँ पर आप पढ़ लीजिए उतना कुछ हम लोग को यहाँ पर जानकारी नहीं चाहिए। बाकी आप इंजीनियर या कमीशनिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। और फीचर क्या क्या दिया हुआ है इसका आपका आईपी कंप्यूटर में ये देखते हैं फ्रीली प्रोग्रामेबल नेटिव बैकनेट राउटर सीपी कोर इज ए फ्रीली प्रोग्रामेबल नेटिव बैकनेट राउटर एचबीसी एप्लीकेशंस सीपी कोर इज आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स एचबीसी एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी डिवाइस इंटीग्रेशन प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन सीपी कोर इज ए प्रोग्राम यूज कंफर्ट पॉइंट ओपन स्टूडियो विथ अलाउज यूजर टू कंट्रोल एंड मॉनिटर रिमोटली कनेक्टेड डिवाइस और इसे इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। हनीवेल ईबीआई एंड कंफर्ट पॉइंट ओपन मैनेजर कैन एक्सेस ऑल डिवाइस कनेक्टेड ऑन एमएसटीपी चैनल्स वाया द सीपी कोर बैकनेट राउटर और यूनिकोड सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है यूसीएस टू एंड यूपीएफ 8 कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर्मेट्स और फ्लेक्सिबल माउंटिंग ऑप्शन है। टिंडरेल में आपका वॉल माउंट हो जाएगा, टिंडरेल में आप कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वॉल में चाहिए पैनल में चाहिए जहाँ चाहिए आप वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। और कॉपीराइट 2015 ये सब पर और डिटेल दिया हुआ और यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है आपका इलेक्ट्रिकल डाटा जो 20 ऑपरेटिंग होगा आपका 24 वोल्ट एसी में और 1 पावर एलईडी दिया हुआ है। पावर कंजप्शन है मैक्सिमम आपका 12 वोल्ट एम्पीयर है और हाउसिंग मटेरियल आपका एबीएस प्लास्टिक है। माउंटिंग डिटेल में होगा, वॉल माउंटिंग उसे होगा और प्रोटेक्शन आपका क्लास जो है IP20 सीपीयू प्रोसेसर कोल्ड फायर 548X 32 बिट हाई परफॉर्मेंस फ्री स्केल प्रोसेसर एट 166 MHz और इसका मेमोरी जो है आपका 32 MB इंटरनल रैम फॉर डाटा स्टोरेज 32 MB फ्लैश फॉर प्रोग्राम स्टोरेज 256 KB रैम बफर्ड 72 हॉर्स बाई ब्लोड कैपेसिटर 2 MB बूट फ्लैश मेमोरी। उसके बाद आते हैं रियल टाइम क्लॉक MTBF इसका फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा हुआ है मीन टाइम बिटवीन फेलोर डाटा 1 लाख आवर्स और 11.4 ईयर्स तक आप ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फेल नहीं होगा, मीन टाइम बिटवीन फेलोर नहीं होगा। और उसके बाद राइट साइड में इसका जो है सर्टिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है जो बीटीएल का है और भी क्या क्या दिया हुआ है प्रोग्रामिंग यहाँ पर दिया हुआ है कंफर्ट पॉइंट ओपन स्टूडियो प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल्स इंजीनियरिंग टूल फॉर प्रोग्रामिंग कंफर्ट पॉइंट ओपन डिवाइस इच सीपी कोर सपोर्ट 100 ट्रेंड सब्जेक्ट्स 200 सैंपल्स पर ट्रेंड नो ट्रेंड सैंपल्स आर बेस्ट ऑन सीओपी मॉडल सीपी कोर 3 MHz कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर मोडबस कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर इंटरफेस इथरनेट 1000 MBits आचे 45 का जेक लगाना पड़ेगा उसके लिए ऑप्शन है और एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। MSTP पोर्ट सपोर्ट्स 9.6 38.4 एंड 76.8 KBPS और मैक्सिमम 30 बैकनेट MSTP डिवाइस पर पोर्ट मैक्सिमम 90 बैकनेट MSTP डिवाइस पर कंट्रोलर मोडबस डिवाइस इंटीग्रेशन इन एनी ऑल ऑफ द 3 चैनल्स 3 × स्क्रू टर्मिनल रिमूवल 2 सर्विस LED पर चैनल और यहाँ पर RS232 का भी पोर्ट है डायग्नोस्टिक टर्मिनल RS11 टाइप का है ये काम करेगा उसका भी यहाँ पर दिया लेकिन इसका स्पीड नहीं रहता है लेकिन यूज करता है कहीं कहीं ये हनीवेल वाला। यहाँ पर इन्वायरमेंटल के बारे में कुछ जानकारी दिया टेम्परेचर जो परसेंट होगा 0 से 50 डिग्री पर होगा स्टोरेज आपका 20 से 70 डिग्री है और एमिनेट ह्यूमिडिटी परसेंट एंड स्टोरेज 5 से 93% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉन डिस्मे और यहाँ पर देखिए कंट्रोलर का डिमेंशन दिया हुआ है आपका इधर से 175 है इधर से 187 है ये देख लीजिए कंट्रोलर का पूरा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर बता रहा है RS232 USB IP पावर रन 10/100 MBits लिंक एक्टिव ये बताएगा और बाएं तरफ जो है 24 वोल्ट पावर देना होगा और ये रिसेट का पावर का ये लाइट होगा और नीचे में इसका देखिए जो 3 चैनल है आपका बाएं तरफ से होगा TX RX TX का मतलब क्या होता है RX का मतलब क्या होता है ये जानकारी है आपको तो कमेंट में लिखिए और चैनल 1 आपका माइनस प्लस ग्राउंड उसके बाद चैनल 2 माइनस प्लस ग्राउंड फिर चैनल 3 माइनस प्लस ग्राउंड सभी में ग्राउंड दिया हुआ तो बैकनेट MSTP यहाँ से नहीं था तो MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी कमेंट कर सकते नहीं है तो मैं बताऊँगा कभी अगले वीडियो में। और ये आपका हो गया लास्ट
यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है हनीवेल के बारे में, हनीवेल बिल्डिंग सोल्यूशन 1985 डगलस ड्राइव नॉर्थ गोल्डन वैली एमएन यूएसए www.honeywell.com ये सब दिया हुआ है, जो आप लोग काम करते तो जानते ही होंगे। तो इसका अभी काम चल रहा है, एनर्जी मीटर हो गया, थर्ड पार्टी कोई भी आप डिवाइस में इसको कनेक्शन कर सकते हैं, एनर्जी मीटर हो गया, बीएबी हो गया, बीटीयू मीटर हो गया, इसका खुद का कंट्रोलर हो गया, डीआई हो गया, एसपीसी हो गया, जो कंट्रोलर है उसको